बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और उम्मीद करती हूं अल्लाह के फजल व करम से आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने वाले हैं और उसमें जी हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो व्यूअर्स, गाजरें जो हैं वो जी मैंने धोने के लिए इधर रख दी हैं। तो सबसे पहले जी गाजरें वाश करते हैं, कर ली है। तो ये जी आप छत पे ही बनाना है। ये रात हो गई है, अभी बस सख्त अंधेरा है तो उधर बल्ब जला हुआ है, बल्ब ऑन कर दिया है। ऊपर बड़ी सख्त ठंड है जी, आ जाए जी। हाँ जी, चूल्हे को उधर रखें जी। सबसे पहले जी गाजरों को कद्दूकश करना है, आ जाए इधर। आप भी आ जाए। नहीं, पहले कद्दूकश करवाए ना गाजरे। सब ने तो नहीं ना करनी, मैं छीलती जाए तो आप कद्दूकश करें, ठीक है ना? काबला शुरू हो गए। मैं जी गाजरों को छीलती जाऊंगी और वो कद्दूकश करते जाएंगे। इस तरह जी जल्दी जल्दी काम हो जाएगा ख़त्म। वो बहुत सा ठंड है व्यूअर्स, और आज ही बादल भी बने हुए हैं। दोपहर के बाद व्यूअर्स बादल बने हैं तो बड़ी सख्त ठंडी हवा चल रही है। गाजर का हलवा बनेगा जी कढ़ाई में, है ना? कढ़ाई में तैयार होगा तो सबसे पहले जी इसको मिट्टी लगा लेते हैं। फुल देसी तरीके के साथ जी आज रेसिपी बनेगी। काबले के साथ जी गाजरें छीली जा रही हैं और जल्दी इसलिए है कि रात हो गई है तो जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए। ज़्यादा तेज़ कौन जा रहा है? ये जी ज़्यादा जो है हस्बैंड, ज़्यादा जो है वो उन्होंने गाजर छीन ली है। अच्छा, बाजी जी लेट आई हैं तो इस वजह से बाजी पीछे रह गई है। गाजरें जी हमने कद्दूकश कर ली हैं, तो इसमें जो चीज़ें डाली जाएंगी ये है जी पिस्ता, ये काजू, ये खोया और ये चीनी है, तो ये है जी देसी घी। तो आग जो है वो हमारी जो है वो हमने जला ली है, तो अब इसके ऊपर जी कढ़ाई रखते हैं। अब कढ़ाई को जी रख लिया है, इसमें घी शामिल करेंगे, देसी घी है जी इसमें। आज ये गाजर हलवा बनेगा और ये रेसिपी शेयर करेंगे जी मेरे हस्बैंड, इनको जी बड़ी अच्छी ये गाजर का जो हलवा है वो बनाना आता है। ये जो देसी घी है व्यूअर्स जी हमने जी अपने घर में बनाया हुआ है, जो दूध के ऊपर बलाई उतरती है वो जी हम तक कर के घी बना लेते हैं, ऐसे ही जल जाने हैं सारे। ये जी इसे रोस्ट करेंगे, ये काजू और पिस्ते को जी रोस्ट कर लेते हैं। हल्का हल्का ब्राउन करना, बाजी ने भी आज ये रोटी छोटी इतनी पेट भर के खाई हुई है, खत्म तो गई नहीं। बाजी बड़ी आराम सुकून से बैठी हुई है। रजी ये आज बोल दी जी तो नहीं रहे। आग बड़ी कम है जी इसमें, सात लकड़ी रखें। मैं खुद लाने अब तो आम की बाद में चुकाना मटी पास चली जाए। हाँ, ये मूंगफली डालें ना इसके छिलके तो आग तेज़ हो जाए। ये मूंगफली के छिलके हैं जी, इससे आग बड़ी जल्दी लग जाती है। ये हमने रखे होते हैं एडवांस, जब हमारी आग जो है वो कम होती है तो फिर इसको डाल के जी तेज़ करते हैं।
ये हमारे कुक साहब बैठे हैं। बहुत ही अच्छा ये गाजरों का हलवा बनाते हैं मेरे हस्बैंड, ये माशाल्लाह बड़े माहिर हैं। बहुत ज़्यादा धुआं हो गया, रोस्ट हो गया जी। हो गया ये जी, रोस्ट हो गए हैं बिल्कुल बड़े अच्छी तरह। अब इसमें जी ये गाजरें जो हैं वो डालनी है इस घी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम है घी, वो डालें जी घी इसमें। अब ये घी कम है तो और डालना है जी, वो डालना पड़ेगा। गाजरें ज़्यादा है ना, उसके मुताबिक घी भी ज़्यादा होना चाहिए। गाजरें जी अच्छी तरह भून लेनी है। 3 किलो गाजरें हैं हमारी और इसमें आधा किलो चीनी जाएगी। और ये खोया कितना है? 1 kg। एक किलो तो इसमें आधा किलो खोया जाएगा ना? पहले आधा किलो जाएगा फिर आधा किलो ऊपर डालेंगे। अच्छा ठीक, 1 किलो जी खोया है तो आधा किलो इसमें शामिल करेंगे और आधा किलो जो है वो गाजरों के ऊपर बाद में पकने के बाद रखेंगे। घी में अच्छी तरह रोस्ट हो रही है अभी माशाल्लाह। आप जी बाजी चमचा चलाएंगी तो अच्छी तरह रोस्ट करेंगी। आप थक गए हैं हाँ? मियाँ साहब जी थक गए हैं हस्बैंड। अब जी ये इसमें चीनी शामिल करेंगे। बढ़िया की और डालनी है बड़े। गाजरें जी अच्छी तरह रोस्ट हो रही हैं, अभी थोड़ी थोड़ी कच्ची हैं। इसके बाद इसमें जी खोया शामिल करेंगे। ऊपर व्यूअर्स बड़ी ठंड हो गई है, बड़ी सख्त हवा चल रही है, फुल जी सर्दी आ गई है जी इधर। चूँकि हमारे जो घर हैं वो इधर साइड पे खेत हैं तो इस वजह से इधर जी जल्दी जी ठंड बन जाती है, सुबह के वक्त ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब इसमें खोया शामिल करते हैं जी। अच्छा चेक करके बताएं कैसा बना है जी, चेक तो करना है ना, मीठा भी और वो खोया भी, इसका टेस्ट कितना बना है। सारा मीठा पूरा, वाह ज़बरदस्त, चले जी बड़े बड़ा मज़ेदार बन गया लग रहा है। शक्ल से भी जी बड़ा वो लग रहा है कि टेस्टी बन रहा है माशाल्लाह जी। बड़ा प्यारा ये तैयार हो रहा है गजरेला। काजू और पिस्ता शामिल करेंगे एंड में, है ना? चले जी इसमें शामिल कर दें काजू और पिस्ता। अब इसके ऊपर जी थोड़ा थोड़ा खोया और शामिल करेंगे, इसकी गार्निश इसको करना है गार्निश। तो भी बस ये था जी आज का हमारा व्लॉग, और ये थी आज हमारी जी गाजरों का गाजर के हलवे की रेसिपी जो आपके साथ शेयर की। तो भी बस आज हमने जी सर्दियों के स्टार्ट में ही जी हमने ये गाजर का हलवा बना लिया है, पहली दफ़ा बनाया है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो भी बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफज़ाई होती रहे। तो आइंदा व्यूअर्स किसी जी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।